टाटा चलाएंगे, टाटा चलाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? तो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D गेम में जो अपना टाटा ट्रक है ना, उसी के बारे में बात करने वाले अपने टाटा ट्रक के बारे में कि भाई टाटा ट्रक में क्या क्या आने वाला है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? एंड उसी के साथ साथ में टाटा ट्रक आपको किस अपडेट में मिलने वाला है, बाकी देख सकते हो। फिर इसको ये अपना जो ओल्ड मैप है ना, इसमें ऐड कर दिया है। और अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। फाइनली अपना जो है ओल्ड मैप है, इसमें अपना टाटा ट्रक आ चुका है। और बाकी देख सकते हो कैसा लग रहा है भाई, एकदम जबरदस्त लग रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि टाटा ट्रक का जो अपडेट है उसमें क्या क्या आने वाला है। और ऐसे में बड़ा सख्त लौट आऊ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। टाटा ट्रक में आपको यानी कि क्या क्या मिलने वाला है, ये कौन से अपडेट में मिलेगा आपको, और भाई आपको ये टाटा ट्रक कौन से मैप में चलाने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो अबे साले तभी माफ करना, गुस्से में मैं तक बने रहना। और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियोस को भी लाइक कर दीजिए। बाकी गाइस थैंक्स फॉर 2.5.5K। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो गाइस यार देख सकते हो फाइनली अपन ने इस टाटा ट्रक को इस यानी कि मैप में तो ऐड कर दिया है। लेकिन गाइस यार अभी अपन क्या करने वाले पता है, इसको सभी मैप में ऐड कर दिया है भाई। और टॉर्चर मोड वाला जो मैप होता है उसी में भी हमको इसको यानी कि ऐड कर दिया है। इसका जो अपडेट है आपको वो भाई फार्मिंग मोड के टाइम में यानी कि मिलने वाला है। फार्मिंग मोड वाले अपडेट के साथ में ही आपको जो टाटा ट्रक है ये चलाने के लिए मिलने वाला है भाई, सेम टू सेम। और गाइस यार ये आपको सभी मैप में देखने को मिलेगा, ओपन वर्ल्ड में, न्यू मैप और ओल्ड मैप दोनों में, बाकी टॉर्चर मोड में और फार्मिंग मोड दोनों मोड में भी, यानी कि कहना चाहिए तो पूरे चारों मैप में आपको ये टाटा ट्रक चलाने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ में ये जो मॉडिफिकेशंस में है इसमें कुछ नहीं आने वाला, हॉर्न वॉर्न भी कुछ नहीं आने वाला। अगर आपको ऐड कराना है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी देख सकते हो भाई टाटा ट्रक कुछ इस टाइप से दिखता है। अपन इसमें साइड ब्रेक करना यूज़ करना चाहे तो गाइस कर सकते हैं। वैसे साइड ब्रेक मैं आपको बता देता हूँ भाई, साइड ब्रेक आपको अगर से लाना है तो भाई मॉडिफिकेशंस में जाना है। एंड उसी के साथ साथ में गाइस यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रक, हाँ यहाँ गाइस ट्रक्स एंड पिकअप्स में जाना है। एंड गाइस उसके बाद में आप में यानी कि गाइस यहाँ से आप डीजे वगैरह डीजे लाना चाहो तो भाई यहाँ देख सकते हो आप डीजे ला सकते हो भाई। जैसे कि ये देख रहे हो भाई अपन ने टाटा ट्रक में फाइनली देख सकते हो डीजे ला दिया। तो भाई आप अगर डीजे चेंज लाना चाहते हो अपने टाटा ट्रक में तो गाइस इस तरीके से आप डीजे ला सकते हो अपने टाटा ट्रक में। आपको डीजे ट्रक चलाना है तो आप डीजे ट्रक भी चला सकते हो। बाकी गाइस यार अब बात करते हैं कि भाई अपन जो है टाटा ट्रक को भाई इसका डीजे बजा सकते हैं कि नहीं। तो गाइस इसमें यार डीजे आप नहीं बजा सकते, आपको डीजे बजाना है तो उसके लिए अपडेट हमको अलग से करना पड़ेगा। अभी वाले अपडेट में आप डीजे नहीं बजा सकते। बाकी गाइस यार देखो ये जो टाटा ट्रक है आप में डीजे ये जो सिस्टम है ये लगा आपको मिलेगा। और आपको अगर डीजे को हटाना है तो भाई मॉडिफिकेशंस में जाके यानी कि आपका ट्रक एंड ट्रक्स मॉडिफिकेशंस में जाना है। यहाँ पे आपको बोरी वाला सिस्टम करोगे तो गाइस देख सकते हो ऑफन ने भाई साहब फाइनली बोरी भी डाल दिया है। गाइस यार देख सकते हो भाई बोरी आपको अगर डालना है तो आप बोरी भी इस तरीके से डाल सकते हो। बाकी आज की वीडियो में मैं को आपको यही दिखाना था भाई, आप बोरी डीजे और साइड ब्रेक्स भी ऑन कर सकते हो। वो मैं आपको कल की वीडियो में दिखाने वाला हूँ और कल की वीडियो में आपको बहुत ही मस्त मस्त चीज़ें भी दिखाने वाला हूँ। वैसे गाइस कल की वीडियो में नहीं, शाम में भी अपनी वीडियो आने वाली है 12 बजे, तो 12 बजे वाली वीडियो भी देखना मत भूलिएगा। तो फिर भाई मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।